पे देखे होंगे बच्ची के लिए, उसको देख के वो भी इमोशनल और रोने लग गई। तो दिन में आज जब जा रहे थे तब रो ली और अभी मैं आ रहा था तब रो ली। और मैं शॉपिंग करके लाया अपने बच्चे के लिए, स्टार्टिंग कर दी मैंने शॉपिंग। मैं लाया अपने छोटू के लिए ये हाफ स्वेटर्स। क्या प्राइवेट अभी बहुत धंधा पूरी कर रखी इन लोगों ने अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज है बेबी का फोर्थ डे और आज है डिस्चार्ज डे। एक्चुअली आज डिस्चार्ज कर देंगे, तो मैं अभी नहा धो के घर पे आ गया था कल रात को। अभी नहा धो करके और घर की सफाई वफाई करके बलून वगैरह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब बेबी आएगी, तो जो सजावट कराई है वो मैं बाद में ही दिखाऊंगा आपको। और अभी चलते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाके डिस्चार्ज करवाते हैं और भी जो फॉर्मेलिटीज होंगी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगी करवा करवो के बच्चे को और विशाखा को लेकर के आते हैं घर पे और उनका करते हैं स्वैग से स्वागत। सो चलो चलते हैं। कुछ दूर चल के घर से निकल के आ गया हूँ हॉस्पिटल और आज जैसे इन्होंने बोला था डिस्चार्ज के लिए, लेकिन जैसे कल मैंने बताया था कल लास्ट वाले ब्लॉग में कि बोला था विशाखा के जो ब्लड में कुछ ऊपर नीचे प्लेटलेट का या कुछ भी उसमें कंसर्न है, उस वजह से उन्होंने ब्लड सैंपल लिया था तो बोला था कि आज डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन आज बेबी को जब लेके ना क्या बोलते हैं डैप करने के लिए, नहीं स्पंज, स्पंज करने के लिए ले गए थे ना, तो वहाँ पे इसका ब्लड सैंपल लिया कि इसका भी ब्लड में कुछ ऊपर नीचे आया। तो यार इन लोगों को पता नहीं क्या धंधा बना के रखते हैं क्या है, लेना था दोनों एक साथ लेना चाहिए था, है कि नहीं गुड्डू? गलत बात लगती मेरे को बहुत, ये चीज़ लगती है बेकार। इनको लगता है इंश्योरेंस है बड़ा ले लो खींच लो इनसे पैसे इतना खींच सकते हैं, तो वो गलत लगता है। पर कोई ना, मैं पूछता हूँ कोई डॉक्टर आएगा तो उससे बात करेंगे डिस्चार्ज के लिए आज। अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो आज डिस्चार्ज करा ले जाएंगे शाम तक। अभी एक डॉक्टर आए तो मैंने उनसे पूछा सिंपल सा क्यों लिया गया है, तो बोलते हैं कि ये बच्चे का पीलिया वीलिया के लिए लिया गया है, अगर पीलिया वीलिया हुआ तो शायद ऑब्जेक्शन में रखा जाएगा। अगर इन्होंने मशीन में रखा ना तो 25,000 रुपये 33,000 रुपये एक दिन का इनका, और जबकि ये सब नॉर्मल सी बात है कि हर बच्चे को पैदा होते पीलिया होता ही होता है। तो ये पता नहीं क्या प्राइवेट्स में ना बहुत धंधा पूरी कर रखी इन लोगों ने। अभी वैसे बोल रहे हैं कि एक डॉक्टर आएंगे वो रिपोर्ट देखेंगे उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है, अगर नॉर्मल हुआ तो डिस्चार्ज कर देंगे, नहीं हुआ तो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। लेकिन मैं डिसाइड करूँगा, मैं नहीं रखूँगा बच्चों को अभी यार, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर अननेसरी पैसा बनाया जा रहा है चीज़ों के लिए। लेकिन टीपी में गया था मैंने कहा पूछूँ सही कितना बिल बनाया इन्होंने अभी तक, तो अभी तक इन्होंने 56,000 का विशाखा, मतलब 57,000 का विशाखा का बनाया। उसके बाद में अब बेबी का मतलब बच्ची का आना बाकी है बिल, तो वो बताएंगे कितना उसका बना है, उस हिसाब से उसका भी पेमेंट अभी वहाँ से आएगा। और बाकी जो डिफरेंस होगा जो अप्रूवल हो जाएगा ठीक है, और जो डिफरेंस होगा वो हमें पे करना पड़ेगा अलग से अपने पॉकेट से, तो बस उसका वेट कर रहा हूँ मैं और हो जाए जल्दी फ्री फिर चलते हैं। जा रहे हैं डिस्चार्ज करा दिया विशाखा को, तो डिस्चार्ज हो गया है। तो अब बेबी को NICU में रखा हुआ नर्सरी में 24 घंटे के लिए। विशाखा थोड़ी इमोशनल हो गई थी कि इसको छोड़ के रह जाऊँ, पर कोई ना, वो तो वैसे भी वहाँ अलाउड नहीं करते 24 घंटे तक, तो वो बच्चा उसी में रहेगा मशीन के नीचे ही, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं और कल एक दो दिन में चक्कर ला जाऊँगा, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में आके डिस्चार्ज कर देंगे लोग, तो तब मैं निकल जाऊँगा लेके बच्चों को। यार हम लोग आ तो गए घर पर उस छुटकी वहाँ छोड़ के आए ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है खाली खाली सा, बच्चे के बिना तो खाली लगेगा ना यार, तो थोड़ा सा। और विशाखा तो अभी आई थी तो मंदिर पे सामने जैसे हाथ जोड़े उसने मंदिर के सामने, तो इमोशनल हो गई, आंसू माँ है ना तो हो जाता है। मेरा तो बस आदमी जो होते हैं पक्के दिल के होते हैं ना, तो मैं को भी हो रहा है पर मैं कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ। लेकिन कोई नहीं, आज वो एडमिट रहेगी और वैसे भी वहाँ पे उसको 12-14 घंटे जब भी रखेंगे तो वो उसमें मना करा हुआ उन लोगों ने कि हम किसी को भी वेट नहीं करने देंगे या कुछ उसको हमें लेने देंगे, क्योंकि रेगुलर उनको रखना है उसमें वो कंटिन्यूसली। तो जो जिसके लिए सजावट कराई और इसके लिए सजावट तो कराई थी ऑब्वियसली, लेकिन वो सजावट आज भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जब बेबी आएगी तभी मैं उस सजावट को आपको दिखाऊंगा क्या करवाया है। तो अभी आज के लिए अभी बस कंटिन्यू करते रहेंगे, अभी बाहर जाना है क्योंकि इसकी मेडिसिन वगैरह लिखी डॉक्टर ने, तो मेडिसिन वगैरह लेके आनी है बाहर से और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेके हैं, बोल रहे हैं मतलब खाने को कि थोड़ा सा अभी इस टाइम ब्लड का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना, तो उस चक्कर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ लिखी खाने पीने के लिए कि अच्छा खाना पीना है, तो उस वजह से मदर फीड भी अच्छी से इजीली हो जाएगा बच्ची के लिए, तो इसलिए उसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाने हैं, दवाइयाँ भी लानी है, तो वो अभी बस मार्केट जाना और फिर लेके आनी था। तो मैं आ चुका हूँ इस मार्केट में और पहले विशाखा की दवाई लेंगे, फिर उसके बाद में बेटी के लिए कपड़े लेने हैं और कपड़े लेने के बाद जाना है फिर ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, वो थोड़ी दूर जगह है, बाकी सारे सब काम यहीं हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं पहले दवाई लेकर के, फिर वो गुड़िया के कपड़े लाएंगे, फिर ड्राई फ्रूट लेने के लिए जाएंगे। तो भाई साहब 3-4 घंटे लग गए बाहर मार्केट में और बुरी हालत हो गई, आंखों में धूल मिट्टी आ रही थी, क्योंकि शीशे में शीशा लगा लो और रुक जाओ तो शीशे में फॉग फॉग फॉग, इसलिए मैंने क्या करा जल्दी जल्दी आने की कोशिश करी, पर फिर भी कई घंटे लग गए। और मैं शॉपिंग करके लाया अपने बच्चे के लिए, स्टार्टिंग कर दी मैंने शॉपिंग, और छोटे छोटे से कपड़े हैं उसके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लाया अपने छोटू के लिए ये
हाफ स्वेटर्स अभी फ़िलहाल तो यही मिल पाए थे। मतलब एक दोस्त है, उसका ना होलसेल का काम है, उसके भाई का एक्चुअली, उसका होलसेल का काम है, उस वहाँ से लाया था एक्चुअली मेरे सारे ना, उस पर यही मिल पाए। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी तो हो गए ये छोटे वाले स्वेटर्स, मतलब हाफ स्वेटर जो हैं, और ये हो गए पूरा, ये कॉम्बो है एक्चुअली, इसमें पजामी भी है, टोपा भी, और हाथों के भी हैं और पैरों के भी, मोजे हाँ वो भी हैं। और एक ये है एडवांस में हम ले आए ये वाला, ये ना एक्चुअली बट दो जब हो जाएगी 1.5 साल की 2 साल की तो ये प्यारा लग रहा था एक्चुअली, तब हम इसको लाए। ये पोंचू बोलते हैं, पोंचू ना पोंचू बोलते हैं, पोंचू लेके आए क्योंकि अभी ज़्यादा उस पर रेंज मिल नहीं पाई थी, बस बाकी शॉपिंग ऑनलाइन देख लेंगे या फिर ऑफलाइन जा कर के मार्केट से जा कर के ले आएंगे। और छठी छठी जो होती है, छठी पुस्ती ना, उस टाइम पे भी तो मार्केट जाएंगे और बढ़िया से कपड़े लेके आएंगे अपनी प्यारी गुड़िया के लिए, है ना। इसके लिए लाएँ कि ना लाएँ समझ में नहीं आ रहा, नहीं चाहिए ठीक। मार्केट से आने के बाद जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बच्ची कपड़े भी लाए और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लाए, इस लड़की के लिए कमज़ोर हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए लाए ड्राई फ्रूट्स। और अभी मेरे आँखों में हो रहा है दर्द और सर में भी दर्द हो रहा है आँखों की वजह से, तो अब चाय पी लिया, इससे क्या होगा थोड़ा सी जो हरारत है वो ख़त्म हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, फिर जाऊँगा मैं हॉस्पिटल, बच्ची से एक बार मिल के आता हूँ, जा कर के देख के आता हूँ। अगर वो मिल नहीं देंगे तो वैसे शायद कुछ कह नहीं सकते, अभी मिल नहीं देंगे नहीं देंगे, पर जाना है और देख के आना है उसको अभी, तो बस चाय पी के मैं निकलूँगा थोड़ी देर में हॉस्पिटल के। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल और यहाँ पे बच्ची को मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, जाके देखता हूँ मिलने देंगे या नहीं देंगे। नर्सरी वाला रूम आई ऊपर है, वहाँ चलते हैं। और जब मैं आ रहा था तो विशाखा ने ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, उसमें इसने कपड़े पे देखे होंगे बच्ची के लिए, उसको देख के वो भी इमोशनल और रोने लग गई। तो दिन में आज जब जा रहे थे तब रो ली और अभी मैं आ रहा था तब रो ली, तो बड़ा उसको इमोशनल हो गई एक्चुअली ज़्यादा। तो अभी बच्ची से मिल के आते हैं, वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं तो मैं वीडियो बनाता, वहाँ पे बच्ची से मिल के आते हैं और फिर मैं जाऊँगा थोड़ी देर मिल के फिर घर पे वापस, तो मॉर्निंग में आऊँगा उसको डिस्चार्ज कराने के लिए। बेटी को मिल के आ गया, वो मशीन पे थी, तो जिस मशीन पे होती है वहाँ पे लाइट होती है बेसिकली ब्लू कलर की जो रेजेज होती हैं, तो उसकी वजह से ना इसको शायद विटामिन डी होता है ना, सूरज वाली जो किरण होती है आई थिंक, तो वो वाली इसको रोशनी दी जाती है जिससे कि ना इसका पीले डाउन हो, या धूप खिला लो तब भी डाउन होता है। लेकिन मैं रिस्क लेने के मूड में नहीं था इसलिए मैंने इसको एडमिट करा दिया था। और वहाँ से 7 मिनट आके वहाँ खड़ा रहा मैं, लेकिन उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी, वो सो रही थी अपनी, तो मैंने सोचा कि अब इसको वैसे भी हिला डुल नहीं सकते, मैंने सोना और दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा हिला डुल नहीं करी, सो स्लीपिंग मोड में थी, तो मैंने सोचा कि इसको डिस्टर्ब ना करें और चलते हैं घर के लिए, क्योंकि अभी ये सो रही होगी और आराम करेगी, इसको फीडिंग के टाइम पर बस थोड़ा सा मूवमेंट करती है, रोती जाती है, बाकी तो बस सो जाती है तुरंत ही। तो मैंने कहा सोने दो, अब मैं चलता हूँ घर पर, क्योंकि इसको सुबह ही मॉर्निंग में आना पड़ेगा इसको डिस्चार्ज कराने के लिए, और आके देखेंगे इसका एक बार दोबारा ब्लड सैंपल ज़रूर लेंगे वो, फिर देखेंगे इसका पीलिया डाउन हुआ है नहीं हुआ है, और उसके बेस पर मैं डिसीजन लूँगा कि इनको यहाँ रखना ही रखना। अगर इन्होंने कल फिर बोला कि नहीं और रखना पड़ेगा तो फिर मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि फिर मैं बोलूँगा धूप खिला लूँगा भैया बच्ची को अपनी को, ऐसे तो ये मशीन में रखते रहेंगे लोग, और प्राइवेट में बड़ा गंदा हाल है भाई साहब, पैसे चार्ज एक्स्ट्रा करते हैं, सुविधाएँ तो होती हैं लेकिन पैसे भी। अभी मैं बस खाना पीना खाने जा रहा हूँ, खाना पीना खा करके थोड़ी बहुत अगर टीवी भी देख लूँगा, अदरवाइज मैं सो ही जाऊँगा, थका हुआ हूँ वैसे कई, क्योंकि कई दिन से नींद पूरी हो नहीं रही है। और इस ब्लॉग को एंड करने से पहले कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ, और वो भी मैं कल डालूँगा। एवरी डे यू विल गेट द न्यू वीडियोज़, सो सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय।